राई खाने क्यों आ गए थे? स्वामी प्रसाद को हो गया 5 साल, आज के दिन में हम रामचरित मानस नहीं पढ़वाएं तो क्या हम पुराण पढ़वाएंगे? क्या हम बाइबिल पढ़वाएंगे? भारत की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति को पढ़ाने जा रहे हैं। रामचरित मानस उस समय लिखा गया था जब मुगलों का बहुत आक्रमण था, उसमें उसका जवाब रामचरित मानस का बड़े ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ दे रखा सदन में, और विपक्ष और पक्ष के दोनों बुंदेलखंड के लोगों ने कहा कि भाई ये भाई ताड़न का मतलब क्या होता है। वो जिस पार्टी में उसके विधायक भी समर्थन किए थे विधानसभा में, तो जिस पार्टी के विधायक खुद है मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ रामायण का। अभी सदन की बात कर रहे थे आप, सदन में जाति जनगणना को लेकर बड़ा हो हल्ला मचा, आप उनके समर्थन में हैं या विपक्ष में हैं? एक लाइन में आप आज जिनकी आप बात कर रहे हैं जी, उनके तो सरकार थे तो हम भी जनगणना के लिए गए थे, लेकिन ये कहने के थे जो 1961 में सेंसस मैनुअल बना था, सेंसस मैनुअल में हम 1961 में 70 लाख थे, लेकिन आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बसपा सपा और कांग्रेस की हमें मारते मारते 2011 में 7,000 कर दी है। ये मारने वाला नहीं जिंदा करने वाला, अगर किए तो हमें डंडा मिले था, गोली मिली थी, और हम लोगों को खत्म करने जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले विसंगति दूर हो जाए कि कौन व्यक्ति SC में है, कौन OBC में है, कौन पाइपलाइन में है, कौन रोड पर कौन है। जिन्होंने देश के आज़ाद कराए थे 193 जातियाँ, उनकी जो मलाई ये लोग खा रहे हैं, 193 जातियाँ कहाँ रहेंगी जिनको कानून बना के उजाड़ा गया था? तो मैं तो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी सरकार उसकी सर्वे करा रही है, काम हम लोग ठीक जनता में, हम लोग राजनीति नहीं करते। इन दिनों ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नजदीक आए हैं, खतरा मानते हैं या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलेगा? कोई खतरा नहीं है, खतरा किसे है वो आप जान ही रहे, 2014 से जो लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हमको जनता दोबारा समर्थन दी, 2014 में मोदी को लाए, 2019 में लाए, 2017 में लाया, 2022 में लाए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ये 7 पार्टी अपना दल केंद्र में जा रही है, ये NDA की सरकार बन रही है। मैं यही कहने के लिए चाह रहा हूँ कि हमारी नीति से जो भी खुश हो जाए वो हमारे लिए उसका समर्थन है, वो स्वागत है उसका, और नीतियाँ उसको लगता है कि कहाँ क्या करना है किसी को। अब ओम प्रकाश भैया क्या कहें, सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, उनके बातों का ठिकाना है नहीं, वो क्या कहें।